दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा चौथा समन, 18 जनवरी को पेश होने को कहा। केजरीवाल अभी तक ईडी के समक्ष एक बार भी नहीं हुए हैं पेश। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा ममता सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, आम आदमी पार्टी को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर जारी, मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक राहत मिलने की नहीं है उम्मीद। ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट, अमेरिका और चीन समेत तमाम देशों की है पैनी नजर। खेल की खबरों में रांची में आज से FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का शुरू होगा रोमांच, भारतीय टीम अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान का करेगी आगाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर, मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा केजरीवाल को शराब नीति मामले में भेजा गया ये चौथा समन है। केजरीवाल को पहले 2023 में 2 नवंबर उसके बाद 21 दिसंबर को समन भेजा गया था। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं क्योंकि वे सवालों के जवाब देने से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो आज रिएक्ट किया है अफसोसजनक है, हर बार जांच से भागने का रास्ता ढूंढते हैं। अब जैसे ही चौथा समन आया है तो उन्होंने कहा कि मैं तो गोवा के ट्रिप पर हूँ, मतलब आप राजनीतिक पर्यटन करेंगे लेकिन जांच से भागेंगे क्योंकि आपने चोरी की है, आपको जवाब देने से डर लगता है, आपने शराब नीति में घोटाला किया है, कब तक भागेंगे आप, हर बार बहाना बनाते हैं। अरे आप मुख्यमंत्री, आपने संविधान की शपथ ली है, खड़े होकर कानून की शपथ ली है कि मैं कानून के नियमों का पालन करूंगा, जांच एजेंसी आपको सम्मान दे रही है, अगर आप ईमानदार हैं तो जाके बात कीजिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 3 समन से पेश न होने का बहाना बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में, इसका मतलब साफ है कि पहले समन पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में मैं बिजी हूं, वहां पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई, फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूं और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप घोटाला मामले में ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि महादेव सट्टा ऐप मामले में नीतीश टिब्रीवाल और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। जांच के लिए ईडी ने अमित अग्रवाल की रिमांड मांगी थी। महादेव ऐप जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, महादेव बेटिंग पोर्टल के द्वारा जो लॉन्डर करके बहुत सारा पैसा कमाया गया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का अर्जन किया गया है, जिसके मुख्य जो कर्ता धर्ता है दुबई बेस्ड सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी वर्मा ने जो है वो उसी इन्वेस्टिगेशन को फर्दर प्रोसीड करते हुए 2 अरेस्ट आज की गई हैं, नितेश टिब्रीवाल और दूसरा अमित अग्रवाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वेस्ट के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस मौके पर डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है, जिससे सवारी गाड़ियों के परिचालन में होने वाले अवरोध बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट आपने सुना होगा, अभी हम वेस्ट कॉरिडोर पर यहाँ हैं, जो कंट्रोल रूम तैयार किया गया है भारतीय रेल के द्वारा, वो एक अद्भुत नमूना हम कह सकते हैं। भारतीय रेल के जो सबसे बड़े संवाहक हैं
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वो विजिट करने के लिए पहुंचे थे हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। सर, ये जो वेस्ट कॉरिडोर है, कहा जाता है कि ये बहुत महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसके संचालन के बाद कहीं ना कहीं जो गाड़ियों का जो परिचालन है उसमें जो कई बार अवरोध पैदा होते थे वो मालगाड़ियों के सुचारू संचालन के बाद उसमें अवरोध में कमी आएगी। कितना प्रोजेक्ट तैयार हो पाया और क्या देखा आप? देखिए, ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दोनों के दोनों बहुत ही देश के लिए आवश्यक प्रोजेक्ट्स हैं। इन प्रोजेक्ट्स को 2004-2005 के आसपास सोचा गया था, कंसीव किया गया था, फिर 2007 के आसपास अप्रूव हुए। अनफॉर्चुनेटली 2014 तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। 2014 के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी लेने के बाद में उन्होंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया, ध्यान देके दोनों प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया, और पिछले 10 वर्षों में, 9.5 वर्षों में करीब 89% काम हो गया है। यानी 2014 तक जीरो था, आज 89% काम हो गया है, और बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव है। करीब 350 के आसपास डेली ट्रेन्स दोनों कॉरिडोर्स पे चल रही हैं। देश की लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी में बहुत सुधार आया है। जो डिस्टेंस पहले 50 घंटे में तय होता था वो आज 30 घंटे में तय हो पा। क्या उम्मीद की जाए कि बुलेट प्रोजेक्ट जो है अपने नियत समय पर शुरू हो पाएगा? बुलेट प्रोजेक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। प्रोग्रेस है, 272 किलोमीटर का वायाडक्ट रेडी हो गया है, ट्रैक का काम चल रहा है, ब्रिजेस अभी मैंने देखा 5 तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी ब्रिजेस पे भी बहुत अच्छा काम चल रहा है, टर्मिनल्स बन गए, स्टेशन का थर्ड लेवल थर्ड फ्लोर तक पहुंच गया है काम कई जगह, और जो अंडरसी टनल बन रही है मुंबई से ठाणे के बीच में समुद्र के नीचे से, उस टनल का काम भी आरंभ हो गया है। बीकेसी में जो टर्मिनल स्टेशन है और साबरमती में टर्मिनल स्टेशन है, दोनों के दोनों पे ऊपर अच्छा काम, तो हर तरीके से बुलेट ट्रेन का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनको ये पूरी उम्मीद है कि जो बुलेट ट्रेन का सपना है उसको हम पूरा कर पाएंगे, और कार्य जो है वो प्रगति पर है। पीएम मोदी का सपना बुलेट ट्रेन का जो है उसको जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, गांधीनगर, अहमदाबाद। और आइए अब देखते हैं श्रीराम नगरी अयोध्या से जुड़ी कुछ खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में सुमंगल घड़ी नजदीक है। इस पुण्य अवसर को लेकर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर ओर प्रभु श्री राम का जयकारा गूंज रहा है। आस्था और भक्ति के सी वातावरण का अनुभव आपको इस प्रस्तुति से होगा। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। धरती और गगन उत्साहित हर्षित चंदा तारे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहे शोबाद भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम पधारे। नगर नगर में नगर नगर में वंदन वार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे। सियावर राम चंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। सियावर राम।
पहुंचे उत्सव खूब मनाओ, ढोल नगाड़े शंख बजाओ, झूमो नाचो गाओ, खास प्रस्तुति प्रधानमंत्री ने एक्स पर साझा की थी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के साथ आगंतुकों के ठहरने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस टेंट सिटी में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आगंतुकों के ठहरने की जो तैयारियां की जा रही हैं, उसके इतर पूरे अयोध्या धाम के होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इनमें सबसे खास है सरयू के तट पर बनी टेंट सिटी। अयोध्या में 6 स्थानों पर टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। यहाँ भक्तों को 5-स्टार होटल जैसी सुविधा मिलेगी। राम नगरी में गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, राम कथा संग्रहालय के पीछे बाग विजयसी, कार सेवकपुरम और मणि रामदास छावनी के परिसर में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 6 टेंट सिटी में करीब 88,000 भक्तों के रहने की सुविधा होगी। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के पास एक भव्य टेंट सिटी लगभग बनकर तैयार है। गुजरात की कंपनी प्रवेश की ओर से टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। 8,500 वर्ग मीटर में निर्मित यह टेंट सिटी किसी बड़े होटल से कम नहीं लगती। टेंट सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही भव्य गेट आकर्षण बढ़ाता है। टेंट सिटी में कदम रखते ही आकर्षक फव्वारे के बीच स्थित भगवान श्री राम की चरण पादुका और रामधुन भक्तों को आनंदित करती नजर आएगी। यहाँ कुल 30 कमरे निर्मित किए गए हैं। 510 वर्ग फुट के प्रत्येक कमरे में समस्त आधुनिक सुविधाएं हैं। टेंट सिटी परिसर में डाइनिंग रूम और रिक्रिएशन सेंटर के अलावा सांस्कृतिक मंच भी बनाया जा रहा है, जिस पर रामलीला कल्चर शो की भी प्रस्तुति की जाएगी।
सुविधाओं की बात करें तो आप रूम आपने देखा ही है, और रूम के अंदर सारी वो फैसिलिटीज़ जो एक फाइव स्टार होटल में होती हैं। अगर ठंडी का मौसम का ध्यान में रखते हुए हमने हर एक रूम में एक ब्लोअर भी दिया हुआ है, गर्मियों के लिए एसी दिया हुआ है, तो सुविधाओं का समस्या नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। सुविधाएं पूरी तरह से हैं, जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबका ध्यान रखा जाएगा। और उनके मनोरंजन के लिए अगर हम बात करें तो मनोरंजन के लिए हमारे पे एक कल्चरल स्टेज हमने एक बनाया हुआ है अलग से, यहाँ पर डेली शाम को कुछ जैसे रामलीला हो गई, प्रसंग हो गया, लोक नृत्य हो गया, उस टाइप से कुछ प्रोग्राम रहेगा। और जो लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे उनके लिए अपने पास किड्स जोन है अलग से बच्चों के लिए, तो सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। इस टेंट सिटी के निर्माण में अयोध्या की संस्कृति की झलक भी दिखती है। विशेष बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन की ही व्यवस्था होगी, बिना लहसुन प्याज का भी भोजन मांग पर दिया जाएगा। अयोध्या घूमने के लिए टैक्सी की भी व्यवस्था दी जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री अयोध्या धाम सज धज कर तैयार है, और तैयार है अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए भी। और इसके लिए पूरे अयोध्या धाम में तमाम धर्मशालाएं, होटल्स और गेस्ट हाउसेस की बहार है। उसके अलावा एक नया कंसेप्ट टेंट सिटी का जो है वो इस शहर में भी देखा जा सकता है, और उसके साथ ही साथ तमाम टेंट सिटीज और टिन सिटीज लेकर के आई गई हैं, ताकि लोगों को ना स्थान की कमी होने पाए और ना ही आराम की। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव का, जो अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जानना चाहेंगे आपसे, एक एक दिन जैसे बीतता जा रहा है, 9 दिन शेष रह गए हैं, किस तरह का उमंग, उत्साह, उल्लास जो है अयोध्या में आपने महसूस किया? मुकुल, सबसे पहले आपको और हमारे डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को श्री अयोध्या धाम से राम राम। बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं निखिल, उन्होंने जो स्टोरी आपको दिखाई है, श्री अयोध्या धाम राम भक्तों के लिए पूरी तरीके से सज संवर चुकी है और स्वागत करने के लिए तैयार है। सिर्फ इंतजार है तो सिर्फ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का। बिल्कुल 22 जनवरी को वो भी होगा, और उसके बाद देश दुनिया के राम भक्तों के लिए अयोध्या नगरी इंतजार करेगी कि राम भक्त यहाँ पर आए और अपने रामलला का दर्शन कर सके। बिल्कुल, आप जिस तरीके से हम लगातार डीडी न्यूज के माध्यम से पूरी अयोध्या नगरी से दिखा रहे हैं, टेंट सिटी, होटल्स, धर्मशालाएं, ये तो सभी तैयार हैं, लेकिन जो एक तस्वीरें यहां से दिखाई देती हैं, रंग बिरंगी तस्वीरें, वो ये दिखाई देती हैं कि देश के अलग अलग शहरों से, राज्यों से, गांवों से लोगों का यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है। कोई यहाँ पर बड़ा नगाड़ा लेकर आ रहा है जो सोने और चांदी की परतों से जड़ा हुआ है, 800 किलो का वजन है, कोई 2400 किलो का घंटा लेकर आ रहा है, जब वो बजेगा तो उसकी गूंज आधा किलोमीटर तक गूंजेगी। एक गुजरात के इलाके से एक ऐसी अगरबत्ती आई है जिसकी लंबाई 106 फीट है, जब वो जलेगी तो उसमें करीब 45 दिन तक अपनी जो महक है उसको वो बिखेरती रहेगी। इस तरह की तस्वीरें, कलश आ रहे हैं, घी से भरकर कलश आ रहे हैं, ये तस्वीरें अयोध्या धाम के अंदर नजर आ रही हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। मुकुल जी, बिल्कुल अनुज, और जिस तरीके से आपने कहा कि जो गूंज की बात की जाए, जो सुगंध की बात की जाए, वो ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व स्तर पर हम देख सकते हैं किस तरीके से अब श्री राम के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं उसकी छटा अलग अलग जगह हमें नज़र आती है। फिलहाल अगर देखा जाए पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि अभी भी जो पर्यटक हैं उनका आना अभी भी जारी है, 22 जनवरी के बाद जाहिर तौर पर इसमें जो काफ़ी ज़्यादा इजाफा तो हमें देखने को मिलेगा अभी भी, लेकिन हम देख पा रहे हैं जो पर्यटक हैं लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, और इसकी शुरुआत मैं इस बात से करूंगा कि पिछले कई दशकों से ये उपेक्षाओं से भरी नगरी रही है, यहाँ पर कोई विस्तार नहीं हो पाया, टूरिज्म पर्यटन को कोई बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन अब ये उपेक्षाओं का शहर नहीं, उपेक्षाओं की नगरी नहीं, अब ये आकांक्षाओं की नगरी बन चुकी है, धर्म नगरी बन चुकी है, और सिर्फ देशवासियों को इंतजार था तो सिर्फ राम लला के विराजमान होने का था। अब जो यहाँ पर जब श्री राम लला विराजेंगे
तो पर्यटन की यहां पर एक तरीके से हम कहें तो आसमान को छूती हुई नजरें जो हैं तस्वीरें वो सामने आएंगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। 85,000 करोड़ का बजट सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यहां पर रखा गया है। होटल्स की बात करूं तो 5 सितारा होटल्स जो हैं वो यहां आने की तैयारी में लग चुके हैं। 5 सितारा होटल जिसकी ताज की अगर मैं चेन की बात करूं वो यहां पर जमीनें ले चुके हैं। इसके अलावा 3-स्टार 4-स्टार जो होटल्स हैं वो बनने यहां पर शुरू हो गए हैं। तो पूरी तरीके से पर्यटन को जब यहां पर बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तौर पर यहां की जो एक तरीके से आर्थिक गतिविधियां हैं वो 10 गुना बढ़ जाएंगी। हम जी अभी पिछले कई दिनों से जब हम यहाँ के व्यापारियों से हम लोगों से बातचीत करते हैं तो उनका सिर्फ ये कहना है पिछले 3 महीने के अंदर ही उनका इतना रोजगार बढ़ गया है। चाहे मैं ट्रेवल्स की बात करूं, चाहे मैं खाने पीने की चीजों की बात करूं, फूल मालाओं की बात करूं, अंग वस्त्रों की बात करूं, ये वो लोग हैं जो एक हम जिसको मध्यम वर्ग बोल सकते हैं, एक आम आदमी हम बोल सकते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात लगा रहता है, लेकिन आज उनके पास जो है यहां पर काफी अपेक्षाएं जो उनकी रहती थी वो तो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आज उनके पास बड़ा व्यापार है, समय की आज उनके पास कमी है। तो इस तरह की जो तस्वीरें इस अयोध्या धाम से दिखाई दे रही हैं निश्चित तौर पर ये पर्यटन को तो बढ़ावा दे ही रही हैं, लोगों के खुद के विकास की जो रफ्तार है उसको भी आगे बढ़ा रही हैं। और ये सिर्फ सब कुछ हो पा रहा है तो सिर्फ राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा और उनके विराजमान होने के कारण। जी अनुज, यानी श्री राम की कृपा जो है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। श्री राम जब विराजमान होंगे उसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि जो यहाँ पे जो आर्थिक विकास हो रहा है और इसके आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए, जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ भी क्योंकि लगातार जो मांग है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। फलों की मांग की बात की जाए, फूलों की मांग की बात की जाए, तो हर तरीके से हम कह सकते हैं विकास हो रहा है। और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, दूरदराज के भी जो लोग हैं, वो जाहिर तौर पर पहुँच भी रहे हैं। और वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब तक माना जाता था कि अगर विकास हो रहा है तो वो एक सीमित क्षेत्र में होता था, लेकिन यहाँ श्री राम की कृपा जो है वो हम मान सकते हैं कि किस तरीके से दूरदराज क्षेत्रों तक पहुँच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात को शायद आपके मन में आ गई, यही बात मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता था। और मैं कल अयोध्या शहर से 15 किलोमीटर मैं और मेरे जो सहयोगी असीम मिश्रा हैं हम स्टोरी करने के लिए गए थे कि देखिए हम शहरों की तो तस्वीरें दिखाई रहे हैं लेकिन ग्रामीण भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। कल मैं जब इस इलाके के गांवों के अंदर गया तो यहां फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि यहां पर हजारों लाखों कुंटल जो है फूलों की जरूरत पड़ रही है। हर कोई अपने फूलों के माध्यम से अपने श्री राम लला के चरणों में अपना अर्पित करना चाहता है, अपनी श्रद्धाओं को, अपनी भावनाओं को। जब हमने जाके वहां किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा बाजार फूलों का यहां पर तैयार हुआ है, पर्यटन लगातार आ रहे हैं, सब्जियों की लगातार मांग बढ़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, शहरों की तस्वीरें, विकास की तस्वीरें तो टेलीविजन और मीडिया की सुर्खियां बनती हैं लेकिन दूरदर्शन ग्रामीण भारत की वो तस्वीरें लगातार दिखा रहा है जिससे पता चलता है कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण भारत आगे बढ़ रहा है। और ग्रामीण भारत तभी आगे बढ़ता है जब किसी शहर के अंदर, किसी इलाके के अंदर, किसी राज्य के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और यही पिछले 9 सालों से या मैं कहूं कि 1 दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश भर के अंदर यही फोकस रहता है कि जिस इलाके के अंदर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहां की आर्थिक गतिविधियां, वहां की इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। पर्यटन सिर्फ एक क्षेत्र के नहीं बल्कि समग्र क्षेत्र के अंदर जो है विकास की रफ्तार को बढ़ाता है। और जिससे सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होता है तो वो एक आम आदमी को होता है जो 24 घंटे अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है। जी अनुज जी, और ये तो श्री राम की नगरी है, जाहिर तौर पर यहाँ जो विकास है और बेहतर तरीके से होता नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार डीडी न्यूज की जो टीम है वो आपको पल पल की अपडेट बता रही है किस तरीके से लगातार अयोध्या में विकास हो रहा है, अलग अलग खबरें बता रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। साल बरस और सदी नहीं एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर।
कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते से इनकार करने के लिए खरी खोटी सुनाई। डीडी न्यूज के कार्यक्रम दो टूक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता और समर्थक भगवान श्री राम के भक्त हैं और वो सब लोग कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से बेहद आहत हैं। करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जो कांग्रेस में हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जिनकी आस्था है राम में, वो सब आज दुखी हैं। उनके दिल को ठेस लग रही है। उनको सबको ये उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी, मैं भी दुखी हूँ। मुझे ये उम्मीद थी कि भगवान श्री राम के मंदिर का निमंत्रण जब आएगा तो उसे पार्टी स्वीकार करेगी, तो पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। मैं तो अभी भी अपील कर रहा हूँ, अभी भी समय है कि आपने जो निमंत्रण को अस्वीकार करने का फैसला किया है ये गलत है, ये लोगों की भावनाओं को दुखा रहा है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है। इसको बदलिए, इस पर पुनर्विचार करिए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि श्रीराम मंदिर से जुड़ा प्रश्न जनता और जनमानस की आस्था का प्रश्न है, इसलिए विपक्ष को इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हो रहा है उसके निमंत्रण को सौभाग्य समझना चाहिए। और जिन लोगों ने निमंत्रण को अस्वीकार किया है मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा फर्ज बनता है और मेरा अधिकार भी है कि मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ और तमाम एंटायर विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा से लड़ो, भगवान राम से मत लड़ो। आप भाजपा का विरोध करो, राम का विरोध मत करो। जनता और जनमानस की आस्था को नहीं हराया जा सकता, ये आस्था का प्रश्न है। तो कांग्रेस के नेता ही पार्टी के फैसले से आहत नजर आ रहे हैं। श्रीराम मंदिर को लेकर स्वामी विवेकानंद का वैचारिक दर्शन इन दिनों चर्चा में है। विवेकानंद के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास और विरासत को एक साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता और देश के धार्मिक समृद्धता के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से। अयोध्या में जैसे जैसे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे पूरा देश राम भक्ति के धुन से सराबोर है। अब ये इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। मैडम, विवेकानंद का राष्ट्रवाद का दर्शन और सनातन की संस्कृति का प्रचार बहुत पहले उन्होंने किया था, आज युवा दिवस है, आप पधारे, क्या कहेंगे राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर और विवेकानंद के सपनों का भारत? देखिए, विवेकानंद जी के सपनों का भारत वही था जो कि विचार आज प्रधानमंत्री जी ने हम सबके आगे रखा, और वो विचार है कि विकास भी और विरासत भी। विकास और विरासत को उस समय पर जब भारत अंधकार में था और हर तरीके की कुरीति से जूझ रहा था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के मन में एक अलग जगाई। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का जो मूलभूत विचार था उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यही प्रेरणा हम सबकी प्रेरणा रहे। बतौर विदेश राज्य मंत्री आपने भारत की सांस्कृतिक समृद्धता है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रचारित और प्रसारित किया, और यही वजह कि आज जब भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का टाइम आ रहा है तो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से उत्साह का माहौल, आपके पास भी बहुत क्वेरी आ रही होगी यहाँ आए, तो क्या कहेंगे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक समृद्धता का प्रतीक फिर से गुरु बन के बन रहा? देखिए, हम तो बात करते हैं भारतीय, भारत एक मित्र के रूप में सबके सामने आया, जब जिसको कोई मुश्किल आई हमने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सबकी मदद करने का काम किया, सबकी सहायता की वजह से हमारे भारतीयों के बारे में सबके विचार बहुत उत्तम है। देश की 65% से अधिक आबादी युवाओं की, और इसी के दम पे हम 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना लेके चल रहे हैं, विवेकानंद की जयंती है, किस तरह देखते हैं भविष्य को? मैं इसे एक अवसर के रूप में देखती हूँ, क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए कौशल की भी आवश्यकता है और शक्ति की भी आवश्यकता है, तो अगर हमारे जो युवा हैं वो शक्ति उनके पास होगी क्योंकि फिजिकल एनर्जी तो उनमें ज़्यादा रहती है, और जब वो सही विचार लेकर सही दिशा में बढ़ेंगे तो खुद ब खुद वही रास्ता देश का रास्ता भी होगा, क्योंकि युवा जिस रास्ते को अपनाते हैं उसी पर देश चल पड़ता है। तो इति केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनका मानना कि देश की 65% से अधिक आबादी युवाओं की है, और इसी युवा शक्ति के दम पर हम न केवल विश्व गुरु सपना बनने का देख रहे हैं बल्कि भव्य श्री राम मंदिर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सांस्कृतिक गुरु बनाने का काम भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ मैं OP यादव, DD News, दिल्ली।
अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दुनिया भर में उत्साह है। इस बीच मॉरिशस सरकार ने हिंदू सरकारी कर्मचारियों के लिए 22 जनवरी को 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है। इस फैसले से मॉरिशस में हिंदू सरकारी कर्मचारी 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बन सकेंगे। यह विशेष छुट्टी दोपहर 2 बजे से 2 घंटे तक रहेगी। मॉरिशस में 48.5% आबादी हिंदू है। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ ने कहा कि यह भावना और परंपराओं के सम्मान का छोटा सा प्रयास है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पुरुलिया जिले में साधुओं के ग्रुप को भीड़ द्वारा पीटने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि पुरुलिया से चौंकाने वाली घटना, गंगा सागर जा रहे साधुओं को टीएमसी से जुड़े अपराधियों ने निर्वस्त्र कर पीटा, ये पालघर जैसी घटना है। ममता बनर्जी के शासन में शाहजहां जैसे आतंकवादी को राज्य संरक्षण मिलता है, जबकि साधुओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अपराध है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है, उसकी पाई पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है, उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव, मारपीट, सिर फोड़ने का काम होता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया है कि श्रीराम मंदिर का शिलान्यास हो तो पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है। तुष्टिकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्म भूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी ना मनाने दिया जाए और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया, इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहे। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टिकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेके जा रहे और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। पुलिस अधिकारी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मदद करने के आरोप लगे हैं, तो उनको बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर आती है। दूसरी ओर जो भ्रष्ट नेता हैं, उनको पकड़वाने की बजाय बचाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार और नेता करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज खुद पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 2011 से लेकर 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उस समय अपनी आवाज उठाने की बात करते थे, आज वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जेल में है भ्रष्टाचार के चलते, उनके स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहे भ्रष्टाचार के चलते, उनके शराब मंत्री शिक्षा मंत्री जेल में है, उनके सांसद जेल में है। आखिरकार इनके विधायकों से लेकर सांसदों को जेल क्यों जाना पड़ा? भ्रष्टाचार के चलते। और अराजकता फैलाने का काम, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल जी और इनके राजनीतिक दल ने किया है। भारत के पहले स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का परीक्षण शुरू हो चुका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को उम्मीद है कि इसे जल्द ही भारतीय सेना को सौंपा जा सकता है।
रक्षा अधिकारी ने बताया कि अपने नए इंजन के साथ लाइट टैंक को बनाने का काम शुरू हो गया है। टैंक को 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक ले जाया गया है। सेना ने 59 जोरावर लाइट टैंकों के उत्पादन और आपूर्ति का ऑर्डर DRDO को दिया है। ये लार्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। इस लाइट टैंक को पहले रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर परीक्षण के लिए दिसंबर तक भारतीय सेना को सौंपा जाना था, लेकिन जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई है। भारतीय सेना एक अलग प्रोग्राम के तहत 295 और हल्के टैंक खरीदने के लिए टेंडर निकालने वाली है। अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना लद्दाख सेक्टर में अपनी गतिशीलता और युद्धाभ्यास क्षमताओं में सुधार के लिए लाइट टैंक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और आइए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। बिहार में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गारंटी वाली गाड़ी शहरी और उपनगरीय इलाकों में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे पटना ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन जन के कल्याण के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पटना के धनुकी मोड़ पहुंची। यहाँ पर लोगों को केंद्रीय और आइए आपको दिखाते हैं सोनल माता के जन्म शताब्दी समारोह पर प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। नमस्कार। वर्तमान गादीपति पूज्य कंचन मां, व्यवस्थापक पूज्य गिरीशापा, पोष के पवित्र महीने में आज हम सब आय श्री सोनल मां की जन्म शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। ये आय श्री सोनल मां का आशीर्वाद है कि मुझे इस पुनीत आयोजन से जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं पूरे चारण समाज, सभी व्यवस्थापकों और सोनल मां के सभी भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मढ़ड़ा धाम चारण समाज के लिए श्रद्धा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है, संस्कार परंपरा का केंद्र है। मैं आई के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, जन्म शताब्दी के इस 3 दिवसीय महोत्सव के बीच आई श्री सोनल मां की स्मृतियां हमारे साथ है। भगवती स्वरूपा सोनल मां इस बात का साक्षात उदाहरण रही है कि भारत भूमि किसी भी युग में अवतारी आत्माओं से खाली नहीं होती है। गुजरात और सौराष्ट्र की यह धरती तो खास तौर पर महान संतों और विभूतियों की भूमि रही है। कितने ही संत और महान आत्माओं ने इस क्षेत्र में पूरी मानवता के लिए अपना प्रकाश बिखेरा है। पवित्र गिरनार तो साक्षात भगवान दत्तात्रेय और अनगिनत संतों का स्थान रहा है। सौराष्ट्र की सनातन संत परंपरा में श्री सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी मानवीय शिक्षाएं
उनकी तपस्या, इससे उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत दैवीय आकर्षण पैदा होता था। उसकी अनुभूति आज भी जूनागढ़ और मढ़ड़ा के सोनल धाम में की जा सकती है। भाइयों बहनों, सोनल माँ का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए, देश और धर्म की सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने भगत बापू, विनोबा भावे, रविशंकर महाराज, कन्हभाई लहरी, कल्याण सेठ जैसे महान लोगों के साथ काम किया। चारण समाज के विद्वानों के बीच उनका एक विशेष स्थान हुआ करता था। उन्होंने कितने ही युवाओं को दिशा दिखाकर उनका जीवन बदला। उन्होंने समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए अद्भुत काम किया। सोनल माँ ने व्यसन और नशे के अंधकार से समाज को निकालकर नई रोशनी दी। सोनल माँ समाज को कुरीतियों से बचाने के लिए निरंतर काम करती रही। कच्छ के वोवार गांव से उन्होंने बहुत बड़ा प्रतिज्ञा अभियान शुरू किया था। उन्होंने परिश्रम करके आत्मनिर्भर बनने पर हर किसी को सीख दी थी और उस पर जोर दिया था। पशुधन के प्रति भी उनका उतना ही बल था। पशुधन की रक्षा करने पर वो हर क्षेत्र में हर समय आग्रह करती थी। साथियों, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों के साथ ही सोनल माँ देश की एकता और देश की अखंडता की भी एक मजबूत प्रहरी थी। भारत विभाजन के समय जब जूनागढ़ को तोड़ने की साजिश चल रही थी, तब उसके खिलाफ सोनल माँ चंडी की तरह उठ खड़ी हुई थी। मेरे परिवारजनों, आज श्री सोनल माँ देश के लिए, चारण समाज के लिए, माता सरस्वती के सभी उपासकों के लिए महान योगदान की एक महान प्रतीक थी। इस समाज को हमारे शास्त्रों में भी विशेष स्थान और सम्मान दिया गया है। भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में चारण समाज को सीधे श्री हरि की संतान कहा गया है। इस समाज पर मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद भी रहा है और इसलिए इस समाज में एक से एक विद्वानों की परंपरा अविरत चलती रही है। पूज्य ठारण बापू, पूज्य ईश्वरदास जी, पिंगड़सी बापू, पूज्य काग बापू, मेरुभा बापू, शंकरदान बापू, शंभुदान जी, भजनीक नारायण स्वामी, हेमूभाई गढ़वी, पद्मश्री कविदाद और पद्मश्री भिखुदान भाई गढ़वी, ऐसे कितने ही व्यक्तित्व चारण समाज के विचारों को समृद्ध करते रहे हैं। विशाल चारण साहित्य आज भी इस महान परंपरा का प्रमाण है। देशभक्ति के गीत हो,
या आध्यात्मिक उपदेश हो, चारण साहित्य ने सदियों से इसमें अहम भूमिका निभाई है। श्री सोनल मां की ओजस्वी वाणी खुद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रही है। उन्हें पारंपरिक पद्धति से कभी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन संस्कृत भाषा, उस पर भी उनकी अद्भुत पकड़ थी। शास्त्रों का उन्हें गहराई से ज्ञान प्राप्त था। उनके मुख से जिसने भी रामायण की मधुर कथा सुनी वो कभी नहीं भूल पाया। हम सब कल्पना कर सकते हैं कि आज जब अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है तो श्री सोनल मां कितनी प्रसन्न होगी। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से 22 जनवरी को हरेक के घर में शाम को श्री राम ज्योति प्रज्वलित करने का आग्रह भी करूंगा। कल से ही हमने अपने मंदिरों में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया है। इस दिशा में भी हमें मिलकर काम करना है। मुझे विश्वास है हमारे ऐसे प्रयासों से श्री सोनल मां की खुशी अनेक गुना बढ़ जाएगी। साथियों, आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य पर, आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है तो आए श्री सोनल मां की प्रेरणा हमें नई ऊर्जा देती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में चारण समाज की भी बड़ी भूमिका है। सोनल मां के दिए गए 51 आदेश चारण समाज के लिए दिशा दर्शक और पथ दर्शक है। चारण समाज को इसे याद रखना चाहिए और समाज में जागृति लाने का काम निरंतर जारी रखना चाहिए। मुझे बताया गया है कि सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए मढ़ड़ा धाम में सतत सदा व्रत का यज्ञ भी चल रहा है। मैं इस प्रयास की भी सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है आगे भी मढ़ड़ा धाम राष्ट्र निर्माण के ऐसे अनगिनत अनुष्ठानों को गति देता रहेगा। एक बार फिर आप सभी को श्री सोनल मां की जन्म शताब्दी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनल माता जन्म शताब्दी समारोह का जो वीडियो संदेश है वो आपने अभी देखा और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सोनल माँ जो हैं वो जिस तरीके से एक प्रहरी रही हैं भारत की अखंडता और एकता के लिए और ख़ास तौर से युवाओं के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, जन कल्याण के लिए लगातार काम किए और अब जो 22 जनवरी का जो समय आ रहा है इसको देखते हुए भी सोनल माँ काफ़ी खुश हो रही होंगी क्योंकि जिस तरीके से जो उनकी आकांक्षा रही वो लगभग पूरी होती नज़र आ रही है। और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को वो निवेदन कर रहे थे प्रधानमंत्री के श्री राम नाम का जो दिया है वो हर एक घर में जलाया जाए जिससे जो सोनल माँ है वो तो खुश होंगी ही, साथ ही जो भारतीय सनातन धर्म की बात की जाए, आस्था की बात की जाए, ये और विश्व में और भी ज़्यादा प्रकाशमान हो सकेगा। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत एक विकासशील देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर की रेटिंग्स एजेंसियों ने भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था माना है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत की विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव किया था। इसको लेकर देखते हैं, आइए खास रिपोर्ट।
इस वक्त भारत दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश और दुनिया के नामी अर्थशास्त्रियों और रेटिंग्स एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपने पहले के अनुमान में बदलाव किया है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव किया था। एडीबी ने अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया था, जबकि सितंबर महीने में एडीबी ने 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि उम्मीद से ज्यादा 7.6% रही, जिसके चलते बैंक को अपने अनुमान में बदलाव करना पड़ा। बैंकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, खनन, निर्माण और उपयोगिता में दोहरे अंक में तेजी रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में कृषि की विकास दर थोड़ी धीमी गति से बढ़ने का अनुमान जताया है। हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, इसलिए विकास दर में ऊपर की ओर बदलाव की उम्मीद भी जताई गई है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने विकास दर के पूर्वानुमान को 6.7% पर बरकरार रखा। वित्त वर्ष 2023-24 में उपभोक्ता खर्च और निर्यात में धीमी वृद्धि के बावजूद सरकारी खर्च से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय मुद्रास्फीति को 5.5% के अपने पहले के पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। बैंक ने 2024 में चीन की विकास दर धीमी होकर 4.5% पर आने की उम्मीद भी जताई है। नवंबर को दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आंकड़े सामने आने के बाद कई अर्थशास्त्रियों ने अपने पूरे साल के विकास अनुमानों को बदलते हुए बढ़ा दिया था। कहा जा सकता है कि ये मोदी सरकार की नीतियों का ही असर है कि पिछले 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था बिना किसी रुकावट के तेज गति विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मोदी सरकार की शुरुआत से कोशिश रही है कि कैसे देशवासियों के जीवन को आसान बनाया जाए। सरकार ने इसके लिए लगातार काम भी किया है और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर एक सर्वे कराया था, जिसमें ज्यादातर लोगों ने माना कि रिफंड मिलने की प्रक्रिया पहले से आसान हुई है। साथ ही लोगों और कंपनियों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर अब भरोसा भी बढ़ा है। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार का आम लोगों के जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाने पर जोर रहा है। इसके लिए मोदी सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं, जिसका असर भी दिख रहा है। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है। अब लोगों को महीनों तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न के पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ता। कंपनियों और लोगों का कहना है कि सरकार की कोशिशों से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के समय में कमी आई है। हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक 87% लोगों और 89% कंपनियां मानती हैं कि रिफंड मिलने में होने वाली देरी 5 साल में काफी कम हुई है और रिफंड मिलने की प्रक्रिया भी काफी आसान हो गई है। लोगों और कंपनियों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भरोसा बढ़ा है। CII सर्वे के मुताबिक करीब 84% लोगों और 77% कंपनियों का यह भी मानना है कि टैक्स रिफंड की जांच करने की प्रक्रिया अब पहले से बेहतर और तेज हुई है। साथ ही 75.5% लोगों और 22.4% कंपनियों को अपनी अनुमानित कर देनदारी से अधिक TDS का भुगतान नहीं करना पड़ा। सर्वे में शामिल 87% लोगों और 89% कंपनियों को लगता है कि इनकम टैक्स रिफंड करना अब एक आसान प्रक्रिया बन चुकी है। करीब 53% लोगों का कहना है कि इनकम टैक्स रिफंड मिलने में अब 1 महीने से भी कम समय लगता है। CII के मुताबिक 2018 से 2023 के बीच इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है, जो रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। CII के द्वारा यह सर्वे अक्टूबर 2023 में कराया था, जिसमें विभिन्न राज्यों के 56.4% व्यक्ति और 43.6% कंपनी और उद्यमी संगठन को शामिल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए मतदान जारी है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन ने वोट डाला, वहीं ताइवान के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लाई जिंग ते ने भी मतदान किया। ताइवान में प्रमुख रूप से 2 पार्टियों के बीच मुकाबला है। DPP देश में पिछले 8 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। चुनाव पर अमेरिका और चीन के साथ ही विश्व भर की भी नजर है। चुनाव में आगे चल रहे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई जिंग ते का चीन विरोध कर रहा है। वह देश की स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनके जीतने की स्थिति में तनाव बढ़ सकता है। चीन ने ताइवान के मतदाताओं से कहा है कि वह शांति और युद्ध में से एक को चुने। चीन के खतरे के अलावा भी वोटर के सामने कई अन्य मुद्दे हैं, इनमें महंगे आवास और धीमी होती अर्थव्यवस्था की गति शामिल है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।